हेलो यूट्यूब, इट्स योर बॉय गेमिंग फनकार द यूट्यूब चैनल। सो नए वीडियो के साथ मैं सबके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, गेमिंग अच्छी चल रही होगी। तो यार बात करेंगे नई नई चीज़ों के बारे में, नए नए करेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन यार सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे डिटेल्स मिलती रहें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। तो यार सबसे पहले बात करेंगे उस करेक्टर की जो मतलब अभी वायरल होने वाला है अनकरीब। जैसे पिछले लास्ट टाइम आया था हमारे पास हयातू आया था हमारे पास, तो इस दफ़ा हमारे पास नए करेक्टर का जो है बहुत बड़ा चांस है। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि यार न्यू एरिया जो है वो आने वाला है अनकरीब, जिसे ब्लू एरिया भी कहेंगे और हॉट एरिया भी कहेंगे। और उसका असल नाम जो रखेंगे उसका नाम होगा बुल्ज़ाए। और ब्लू एरिया दोनों में थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। बुल्ज़ाए एक नया एरिया होगा, जबकि जो दूसरी डिटेल्स इसमें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो ब्लू होल होगा वो हर राउंड में एक दफ़ा लाजमी तैयार होगा। तो यार उससे पहले मैं चाहूँगा कि यार आप सब जो हैं ये जो मैं वीडियो चला रहा हूँ, ये जो नया करेक्टर आ रहा है, तो इसकी वीडियो आप देखें और मुझे बताएं कि यार वीडियो में क्या कमी है और क्या नहीं है। क्योंकि ये भी उसी तरह इसकी भी वही प्राइस होगी जो नॉर्मल करेक्टर की जो प्राइस थी लास्ट टाइम, मीन्स के 499 डायमंड्स। तो इसकी भी यही उम्मीद है कि ऐसी ही होगी। तो यार ये करेक्टर ज़रा देखिएगा। ओके, ये जापनीज सॉरी इंडोनेशियन में लिखी हुई है, इस वजह से पढ़ने से बस यही लिखा हुआ, इसका नाम लिखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा करेक्टर दिखाया है, लेडी करेक्टर है इसका। मुझे मतलब हयातू से तो इसका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि ऑटो एमिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब ऑटो एमिंग ही सब कुछ होता है हमारे लिए। इफ़ वी वॉन्ट एम ऑन समथिंग वी कांट इवन किल हिम। तो यार इसमें ये वाला हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है इस वाले क्या कहते हैं करेक्टर के साथ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल लें इसको। तो यार उसके बाद हम बात करने वाले हैं बुल्ज़ाए के बारे में, जो कि हमारा नया एरिया आ रहा है बरमूडा मैप के अंदर। तो बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे, इन कमेंट्स भी पूछ रहे थे, और वैसे भी मेरे से बहुत ज़्यादा ईमेल्स पर मुझे लोगों ने पूछा है कि यार ये क्या चक्कर है, मींस के प्रीगैटरी में कोई नया मैप क्यों नहीं ऐड कर रहे। तो यार प्रीगैटरी के जो मैं बताता चलूँ कि जो प्रीगैटरी के जो ग्राफिक्स हैं वो बरमूडा से बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो यार वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। पहले तो मुझे एक डिटेल मिली थी कि बुल्ज़ाए नाम का कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कि ये फेक है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी freefirenews.com वालों ने दी थी, लेकिन अब जो सेकंड इन्फॉर्मेशन मिली है ये भी मुझे freefirenews.com वालों ने ही दी है। लेकिन उससे भी पहले मतलब ओरिजिनल जो फ्री फायर वाले हैं उन्होंने मुझे ये डिटेल दी है कि हाँ बुल्ज़ाए जैसा कुछ आ रहा है। और बुल्ज़ाए में जो ब्लू होल के अंदर ये ऑप्शन होगा कि इसमें हाई क्वालिटी लूट होगा, मीन लेवल 3 की वेस्ट, इसी तरह लेवल 4 की वेस्ट भी चांस है। उसके बाद ये जो गन आपके पास शो हो रही है, मतलब जो मिजल्स वाली गन है, बड़ी गन, ये जो प्राइमरी में शो हो रही है, ये भी होगी इसके साथ साथ, जिसे M749 कहते हैं, ये भी होगी। मींस के मतलब हाई लेवल लूट होगा और मतलब मुख्तलिफ होगा काफ़ी हद तक, लेवल 4 का बैग होगा। अच्छा, जो ये मैं प्ले चला रहा हूँ, मींस के ये जो गेम प्ले चला रहा हूँ यार, ये किसी जापनीज़ का है, मींस के मैंने जो है ये रिकॉर्ड किया है। और मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसमें ये भी कि यार ये देखो कितने मज़े से हैकिंग कर रहा है, मतलब ज़मीन पे लेट के और मज़े से बंदे चंदे भी मार रहा है, इसको कोई फिक्र नहीं है। मींस मैंने इसको रिपोर्ट भी कर दिया, रिक्वेस्ट भी भेजी और रिपोर्ट भी किया इसको, ताकि इसको जो है पता लगे, क्योंकि यार ये काम गलत है। हम सब इतनी मेहनत करके गेम को यहाँ तक लेकर आते हैं और उसके बाद जो है इस तरह के लोग जो है हमें गेम में डिफीट दे के तो पहले नंबर पे चले जाते हैं। तो यार ये गलत है, इसको मानना चाहिए। उसके बाद मैं एक और चीज़ बात करूँगा कि यार गेम में से लैंडमाइन किधर चला गया है। सब यही चीज़ पूछ रहे हैं, लैंडमाइन। तो लैंडमाइन जो है उसको रिप्लेस किया है फ्लैशबैंग ने। फ्लैशबैंग जो है जो अभी नया मतलब इक्विपमेंट आ रहा है हमारे पास, हाँ ये था M79 था, सॉरी। अच्छा, तो यार क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो लैंडमाइन रिप्लेस हो चुका है और फ्लैशबैंग उसकी जगह आया है। तो फ्लैशबैंग काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा, मींस के लैंडमाइन जो है फ्लैशबैंग से काफ़ी हद तक अच्छा था, मींस इसमें किल मिल जाता था, लेकिन फ्लैशबैंग तो बिल्कुल वाइट कर देता है और मतलब समझ से बाहर का काम हो जाता है। तो यही होगा कि मुझे उम्मीद है कि वापस आ जाएगा। उससे पहले हमारे पास लॉन्च पैड आया था 3 मई को, आखिरी था, मींस कल उसका आखिरी दिन था, तो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल गया है और उम्मीद है कि वो दोबारा से उसको ज्वाइन कर सकें, मींस के दोबारा से उसको तैयार कर सकें, ताकि जो है अच्छी
क्या कहते हैं अच्छी मतलब गेम में इसका काफ़ी हद तक सोर्सेज हैं। अब ये कुछ टाइम बाद पीक में भी आने वाला है, अनकरीब ये पीक में भी आ जाएगा। और क्या कहते हैं पीक के बाद ये क्या कहते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में आएगा। जैसे फ़िलहाल अभी जो है बीमा शक्ति पे मेन पॉइंट्स पे नहीं आ रहा, इस तरह बीमा शक्ति पे भी आ जाएगा। उसके बाद अभी ये ऑब्जर्वेटरी पे और मतलब छोटे छोटे एरियाज़ जो है ना इन्होंने पेस्ट किया था ताकि इस पे जो है ना देखा जा सके कि ये कामयाब जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो यार काफ़ी हद तक कामयाब गया है और अब जो है इस पे मुख्तलिफ चीज़ें भी ऐड करने वाले हैं ये लोग। तो अभी एक नई एक और अपडेट आ रही है कि एक लेडी स्किन भी आ रही है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। लेडी स्किन आ रही है यार, ये इस करेक्टर जो मैंने बताया अभी जिसकी डिटेल वगैरह दी है इसके साथ आएगी। तो यार बस यही है, यही दो चार चीज़ें हैं आज की अपडेट के लिए। और ओबी 15 आ रहा है, ओबी 15 में जो है यार ये जो तस्वीर लीक्स आई हैं चांस है मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब्सिडी थोड़े टाइम के लिए आएगा लेकिन इतना कुछ खास नहीं होगा। एट द एंड ये करूँगा यार गेम प्ले देखो इसका, इसको रिपोर्ट करो, अगर अच्छे लगे तो लाइक भी दे दो इसको, मतलब जो आपको ठीक लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, गेम प्ले थोड़ा सा रह गया। एट द एंड अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।